लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे सामने मौजूद है पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और उम्दा चैट सोले। आज हम करेंगे इसकी नीलामी और तुम सब लगाओगे इसकी बोली। तो शुरू करो। 500। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। सबसे पहले बोली लगाई है ब्रा साहब ने, जिन्हें पाकिस्तान ने नवाजा था तमगा सिगरेट से। तो उन्होंने इस चीज की बोली लगाई है 500 रुपए। 500 रुपए एक, 500 रुपए दो, 650 रुपए। क्या कहने क्या कहने। ब्राड साहब के बाद एबी लंबानी ने बोली लगाई है 650 रुपए। लगता है नशाई घर के बर्तन बेच आया है। मैं भी चोला के जावांगा तेरे। ओए थे तेरे प्यो ने अंडरपास बनाया जिदे तू भी चोला के जाना नशाई। समी ग्रोवर साहब, ज्यादा बातें ना लगाएं, अपना दम दिखाएं और बोली लगाएं। बोली 700 रुपया। क्या 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 700 रुपए, इतनी ज्यादा बोली। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी बैठे में इतना दम है कि इससे ज्यादा बोली लगा सके। ये तो सिर्फ आपका ही मुकद्दर है समी ग्रोवर साहब। 700 रुपए एक, 700 रुपए दो, 200। ने कर देनी बेच। अरे भैया आपने तो एसी में भी पसीने छुड़वा दिए हैं। 900 रुपए एक, 900 रुपए दो, 1200 रुपया। 1200 रुपए, 1200 रुपए के 4 सिगरेट, 1201, 1202, 1203। एपी लंबानी साहब आ जाए, ये आपका मुकद्दर बन चुका है। मेरी टोपी किधर गई? ओ भाई, 80 नशे, नशा करना साडा गम, ना कुछ सानू टेंशन ते ना कुछ सानू गम, क्योंकि 80 नशे। आज से कुछ साल पहले जब कोई सिगरेट भी तब पकड़ा जाता था, कुछ यूं होता था। मान पुत्र, तेनू दही दाखिया है ओ बगैर ता तू सिगरेट पे पीने, तेनू नहीं पता कितनी नुकसान दे शाय। मेरा यार 3 साल पहले सिगरेट पी पी के मरिया सी, ओ बगैर ता तू ऐ दिन विखाना सी पियो नू। याला मैं की गलती कर बैठा जिहड़ा मैनू एदे नाल दी गंदी औलाद लभी। डुब के मर जा पियो दा नाम बदनाम करन आ गया दुनिया ते। और आने वाले वक्तों में कुछ ऐसा होगा। बेटा ये बिल तो जमा करवाओ, नेट का स्वेर का बड़ा मसला कर रहा है। ओ यार बाबा करवाऊंगा यार। बेटा जी आप वेले ही बैठे हो, करवाओ। अच्छा यार, अजीब ही मसले हैं। पापा आप रोए तो मत, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे बेटा तू क्यों शर्मिंदा हो रहा है, ये तो खुशी के आंसू है। तुझे पता है मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद मिली है। और बच्चे तुझे एक बात बताऊँ, हमारी गली के कोने पे एक प्यारा सा मकान है ना, मेरी बचपन से बहुत हसरत थी कि मैं वो खरीदूँ, और आज वो हसरत तेरी वजह से पूरी होने जा रही है। बच्चे मैं ये सिगरेट बेच के वो जगह खरीद लूंगा बेटा, जीता रहे। और बाजी मैं ठीक ठाक, तू सुना कैसी है? मैं भी ठीक ठाक। मैनू ऐ दस ना, तू कल आई मरी क्यों नहीं, मैं इंतजार करती रही हां तेरा। हाय अल्लाह बाजी, मैं तेनू की दसा, जदों दी मेदे च पत्थरी होई है ना, अग लगनी है दी इन्नी कु दर्द है मैं तेनू दस नहीं सकदी। कल भी मैं आन आन करन दी हां पर नहीं आन होया। खैर तू मैनू रिश्ते दी गल कीती सी, मेरे को 15 कुड़ियां दे रिश्ते ने, माशाल्लाह हुसन दीयां डब्बियां ने एडियां सोहनियां, हत्थ लाया मैलियां हुंदियां ने। खैर तू दस तेरे मुंडे च ऐसा की है? अग लगनी है तेनू नहीं पता, चन वर्गा मेरा मुंडा 6 फुटा चिट्टा गोड़ा, जिथों लंघदा मल्ले आले खलो खलो वेंदे ने। बाजी मैं जिदे घर भी जानी है ना, हर मां अपने पुत्र दे बारे च एही गल कहंदी है, मैनू कोई ऐसी खासियत दस जो मैं अगले दे सामने रखा ना, तेरा मुंडा सारे तो वखरा नजर आवे उहनां नू। नी ओतरीए, एड्डा सोहना घर है, मुंडे ने आप कमा के गड्डी लई है, होर तेनू की चाहिदा है? लो बाजी मैं पिछले हफ्ते ना 4-5 मुंडे दे घर होर गई सा, मुंडे वेखन उन्हां दी सेम स्टोरियां ने, सोना वे उच्चा है लंबा है गड्डी है घर अपना वे सोहनियां जाबां ने,
बाजी कोई ऐसी शायद दस जिहड़ी तेरे मुंडे च एक बकरी होवे। ओ हाँ, मेरा मुंडा ना रोज इम्पार्टी सिक्कां दी डब्बी फूक के सौंदा ही। वाकई बाजी, रोज दी एक डब्बी ते महीने दीआं त्री डब्बियां। बाजी तैनूं एक गल कहां, डब्बे च डब्बा डब्बे च केक, तेरा मुंडा हजारां च नहीं लखां च नहीं करोड़ां च नहीं पूरी दुनिया च एक। नाले तू बाहर क्यों मुंह मारदी है, मेरी धी भी तो है ना मुकद्दस, तैनूं पता है ओहदी सवा सवा लख दी अख एक। ते बाजी कट के वेच क्यों नहीं छड़ दी। बाजी जदों तू अमेरिका तो आई ना बड़ी नाटी हो गई है, रिश्ता ते पक्का हो गया, तू मैनूं ए दस मैं ब्याह दी तारीख कदों लैण आवां। ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਸੋਚਾਂ ਚ ਨਾ ਪੈ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨੀ ਸੁਣੀ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਮਿਲੋ ਗਲੇ ਮਿਲੋ ਗਲੇ ਮਿਲੋ। ਓ ਵਾਓ, ਨਿਊ ਟੇਬਲ ਬ੍ਰੋ। ਸੋ ਅਲੀ ਬ੍ਰੋ, ਕੈਸਾ ਦਿਆ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੌਕਡ। ਐਬਸ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਬ੍ਰੋ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖਾ ਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Bro, you know what? तुम अभी recently जो टोरंटो में गए थे ना, तो उन दिनों मेरी बर्थडे थी, तो बाबा को पता है कि मुझे थोड़ा बहुत ना शौक है स्नोकर का, तो उन्होंने रोनियो सुलेमान को कॉल की और मुंह बोली रकम उसके मुंह पे मार के उसके घर का प्राइवेट टेबल मुझे गिफ्ट कर दिया। वजन है ब्रो, वजन है। एनीवेज ब्रो, मेरे डैड ने मेरी बर्थडे में तो मुझे वर्ल्ड वर्ल्ड गिफ्ट किया, तेरे डैड ने तुझे रोनियो का टेबल। What about you, Sammy? अरे bro, मुझे जो गिफ्ट मिला है ना, वो तुम लोगों की औकात को 10 से मल्टीप्लाई करें ना, फिर भी अफोर्डेबल नहीं होगा आपके लिए। Like seriously bro, बातें तो ऐसी कर रहे जिस तरह बाबा ने इसको एक सीक्रेट गिफ्ट कर दिया। Small लोग small सोच। Bro, एक सीक्रेट नहीं बल्कि पूरी डिब्बी गिफ्ट हुई है मुझे। Bro, तुझे? He's our daddy. Call him daddy, bro. Daddy, we are coming. Daddy. Sahabji, Sahabji, उठो Sahabji. चु 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 चु. नहीं नहीं Sahabji, मैं चोर नहीं, मैं तो आप लुटिया गया, मैं तो पर्चा लिखवाने हैं, लिखो। अब मम्मा तेरा ही पार्ट थे मेरा, लिखवा। कल मैं तो मेरा यार रोटी खान डे था, तो मैं बाथरूम जाना सी ना, अपनी सीटा दी डब्बी खाने दे टेबल ते रख गया, तो मैं जो वापस आया मेरा यार गैप सी, जो मैं डब्बी चेक की थी विचो 10 सिगरेट भी गैप सन। 10 सिगरेट? ओ सीपीओ साहब नु फोन करो, पूरे शहर च नाकाबंदी कर दित्ती जाए, बड़ी वड्डी वारदात हो गई है, तुसी परेशान होवो, मुल्जम जरूर फड़िया जाएगा। ओए मेरी गड्डी भी कड्डो। ओए अरे यार, इस बर्गर की इतनी ज्यादा प्राइस क्यों है? अरे भाई बात सुनना। जी सर। भाई एक बात बताओ, इस बर्गर में ऐसा क्या है जो आप इतना महंगा सेल कर रहे हो? सर बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है। हैं भाई, यहाँ पे ना तो चिकन मेंशन है, ना बीफ मेंशन है, ना मटन मेंशन है, ऐसा भी क्या खास है इसमें? सर एक्चुअली ये इसीलिए तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ना तो इसमें चिकन डलता है, ना ही बीफ और ना ही मटन, इसमें डलता है मार्लबोरो सिगरेट का धुआं, वो भी एक नहीं दो दो, इसलिए इसका नाम है स्मोकी बर्गर। आप इसको ऑर्डर करें, आप काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अरे वाह, ये तो फिर वैल्यू टू मनी है। सर आप ऐसा करें, एक यहाँ ले, एक पैक कर दें। ओके सर, विद इन 1 मिनट आपका ऑर्डर सर्व हो जाएगा। आई होप डैट कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, वो था एंटरटेनमेंट। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो गाइस आप लोगों ने इस चीज से बचना है। स्पेशली जो 15 साल से लेके 23 साल तक के लोग हैं ना, वो कूल बनने के चक्कर में ना कि यार सिगरेट पीते हैं ऐसे मुंह में रखने से हम कूल लगेंगे, तो गाइस आप बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो आप इस चीज से बचो, क्योंकि आपकी जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसकी कदर करो। थैंक यू सो मच।